भगवान विष्णु के तीन ऐसे महाशक्तिशाली दुश्मन जिनका वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को रणभूमि में उतरना पड़ा। नंबर 3 रावण। दोस्तों रावण 4 वेदों का ज्ञाता था, उसके पास हर एक अस्त्र शस्त्र मौजूद था, यहाँ तक कि उसके बल का अंदाजा लगा पाना भी असंभव था। कहते हैं उसने अपने बल से महादेव सहित कैलाश पर्वत को उठा लिया था। रावण का आतंक धरती से लेकर स्वर्ग तक था, इसीलिए स्वयं भगवान विष्णु को आना पड़ा था रावण का वध करने के लिए। नंबर 2 हिरण्यकश्यप। दोस्तों हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था, पर उसका पुत्र प्रहलाद बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। इसी से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। नंबर 1 मधु और केतव। दोस्तों मधु और केतव इस पूरे संसार के सबसे शक्तिशाली राक्षस है। कहते हैं भगवान विष्णु ने मधु और केतव के साथ सदियों तक युद्ध किया, पर कोई भी परिणाम नहीं निकला, जिसके बाद भगवान विष्णु ने एक लीला रची, तब जाकर मधु और केतव का अंत हो पाया।